Hi everybody. So today I will tell you about the gel nail extension that I have on my fingers. तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा होता है, बट मोस्टली लोग कन्फ्यूज रहते हैं इसी को सोच के कि जेल नेल एक्सटेंशंस क्या है या नेल एक्सटेंशंस क्या है, उसमें क्या कैटेगरी है, कैसे होता है, कितने दिन रहता है, क्या प्राइसिंग है एट ऑल. सो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे लॉन्ग नेल्स का बहुत शौक है. ओके, बट मेरे नेल्स ग्रो होते हैं बट उनकी स्पीड बहुत स्लो है. सो वेन एवर दे आर लाइक, जब वो ब्रेक होते हैं तो मुझे एटलीस्ट 1 मंथ वेट करना पड़ता है इस लेंथ के लिए. मुझे वो भी बहुत ज़्यादा लगती है. ओके, आई नो सब कुछ लोगों की उससे भी ज़्यादा स्लो होती है और कुछ लोगों की बहुत फास्ट होती है, 10 दिन 15 दिन में उनकी लेंथ आ जाती है. जिन लोगों की नहीं आती है, जिनको बहुत शौक है, वो हमेशा लॉन्ग नेल्स रखना चाहते हैं लाइक मी, तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है. ओके, इस्पेशली जिनकी ग्रोथ स्लो है, उसका रीज़न मैं दूंगी क्यों. फर्स्टली इसमें 2 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट इज़ जेल नेल एक्सटेंशन एंड सेकेंड इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन. उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जब वो फेक नेल्स लगाते हैं उसके बाद वो एक कोटिंग करते हैं, तो अगर आप जेल नेल सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको वो जेल लगाई जाती है जिसकी वजह से ये ऊपर से थिक दिख रहा है. ठीक है, तो इधर नेल है, नेल के ऊपर वो एक जेल की कोटिंग होती है जिसको जेल नेल एक्सटेंशन के लिए बोलते हैं. सेकेंड वन जो सिंपल होती है, उसमें पाउडर यूज़ होता है, उसी फेक नेल के ऊपर पाउडर यूज़ होता है और वो हार्ड हो जाता है ड्राई होने के बाद. तो प्रोसीजर होता है, अगर आप नॉर्मली जाओगे तो प्रोसीजर में आपको 1 घंटा लग जाता है एंड दैट इज़ फाइन. आपको जल्दी करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप जल्दी करोगे तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा. स्पेशली ये जो जेल नेल्स वाले होते हैं, अगर वो इसमें गलती करेगा तो वो कहीं से मोटा दिखेगा, कहीं से पतला दिखेगा और आपको खुद में ही ऐसा लगता रहेगा यार ये कैसे होगा. तो उस टाइम पे आपको बहुत रेस्ट लेके जाना चाहिए, बहुत टाइम लेके जाना चाहिए. तो एटलीस्ट 1 आवर, अगर आप बिल्कुल फ्रेश जेल नेल एक्सटेंशन के लिए जा रहे हो, नेल एक्सटेंशन फ्रेशली जा रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा और आपको टाइम लेके ही जाना चाहिए. सेकेंड थिंग जो है, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि कहाँ पर बहुत अच्छी सर्विस है अफोर्डेबल प्राइस में. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इसका प्राइस होता है वो 1100 से लेकर आपका 3000 तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस और आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, सिंपल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ये जाता है. जो मैंने कराई थी वो 1300 की थी, बट वो सिर्फ और सिर्फ आपका फेक नेल लगा के उसके ऊपर जेल कोटिंग कर देंगे और उसको फिनिशिंग दे देंगे, दैट्स इट. उसका प्राइस था वो 1300. उसके ऊपर अगर आप जाते हो, नेल आर्ट कराते हो, फ्रेंच आर्ट कराते हो या कुछ और कराते हो, तो उसमें वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो उसका प्राइसिंग ऐड हो जाता है. तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वो प्राइस बता रहा है वो विद नेल आर्ट है या विदाउट नेल आर्ट है, इस चीज़ पे आपको रिसर्च करना होगा. आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 3 से 4 जगह जाओ, पूछो, वहाँ का क्राउड देखो, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस उनसे पूछो, राइट, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा. और गूगल पे आप रिव्यूज़ भी देख सकते हो. जितने भी आप स्टोर्स बड़े मॉल्स में या बड़ी कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो वो सब गूगल पे मिल जाता है और वहाँ पे रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं, राइट. आप यूट्यूब वीडियोज़ में भी रिव्यूज़ देख सकते हो. ओके, फाइन, ये प्राइसिंग हो गया, कैटेगरी हो गया. थर्ड थिंग कि वो कितने दिन स्टे करता है. नाउ स्टेइंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाउ फास्ट योर नेल्स ग्रोस. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे 1 महीना लग जाता है तो मेरे नेल्स आराम से 2 मंथ्स चले, ठीक है. वो यहाँ आ गए थे, जो फीलिंग थी वो यहाँ आ गई थी और मेरे नेल्स यहाँ आ गए थे, तो वो चल गए थे, इट्स नॉट अ बिग डील. बट जिनके जल्दी जल्दी नेल्स बढ़ते हैं, उनको 20 दिन में एटलीस्ट या महीने में उनको एक बार जाना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज़ फिलिंग, वो लोग जो बोलते हैं कि एक बार आप एक्सटेंशन कराओगे एंड देन आपको फिलिंग कराना होगा एवरी 15 to 20 days के बाद, और अगर आपकी लेट ग्रो करता है तो आफ्टर 1 मंथ 1.15 मंथ आपको वो कराना होगा. तो अगर आप ऐसे कराते रहते हो तो क्योंकि आपके नीचे फेक नेल्स लगे होते हैं, वो आपके 4-5 महीने चल जाता है. तो फिलिंग क्या है, फिलिंग इज़ नथिंग. जो फेक नेल्स लगे हैं उसके ऊपर आपकी जेल कोटिंग है या पाउडर कोटिंग है, वो फिर से कर देते हैं सेम फेक नेल्स पे. ओके, और अगर किसी फेक नेल में कुछ गड़बड़ आ गई उन्हीं की तरफ से, तो वो उसको फिक्स करके दोबारा लगाते हैं. अदरवाइज़ वही सेम फेक नेल्स पे वो लोग
कोटिंग करते हैं उसको रिफिलिंग कहते हैं, और उसमें भी डिफरेंस आता है प्राइसिंग का. फॉर एग्जांपल सम पीपल टेक 800 फॉर रिफिलिंग, सम पीपल टेक 1500 फॉर रिफिलिंग. एंड स्पेशली यू कैन बी कॉशियस अबाउट कि आप कौन सा फिर से नेल आर्ट करा रहे हो, फ्रेंच करा रहे हो, सिंपल करा रहे हो, ग्लिटर करा रहे हो, अलाना फलाना जो भी करा रहे हो. सो दैट इज़ द रीफिलिंग प्रोसेस. और वो कितने दिन टिकता है, अगर आपके नॉर्मल स्पीड है लाइक मी 1 month, मैंने आराम से 2 महीना चलाया है विदाउट रीफिलिंग, कुछ नहीं हुआ. लेकिन अगर आपकी ग्रोथ फास्ट है तो डेफिनेटली आपको मैक्स टू मैक्स 1 month में जाना ही होगा. और फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता ही नहीं था और मैंने दिमाग ही नहीं लगाया उसके बारे में, इसका रिमूवल. गाइज ये रिमूव नहीं होता है, आप लोग इसको रिमूव नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने हाथों से तो रिमूव नहीं कर सकते हो. इसके लिए स्पेशल आपको केमिकल चाहिए होता है जिसमें आपको डिप करके रखना होता है, और उसके बाद ये जो है अपने आप थोड़ा सा लूज हो जाता है और हटता है. बट खुद से करने के लिए एटलीस्ट आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, कॉन्शियस इन द सेंस कि आप ब्यूटी को लेके बहुत परफेक्ट रहते हो, और जिसमें कि आप बहुत अटेंटिव रहते हो कि हाँ आप कर सकते हो खुद से. अगर नहीं कर सकते हो तो आपको बाहर जाके ये हटवाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन के कुछ दिन बाद आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको ये रिमूव करवाना है, आपके खुद के नेल्स इतने बढ़ गए हैं, आप चाहते हो ये रिमूव हो जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, उन्हीं से ही रिमूव कराना होगा. वो प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं होता उसके, लेकिन उसका प्राइस लगता है. मैंने जहाँ पूछा था रिमूवल के लिए, उन्होंने बोला 500, मैंने बोला छोड़ो मैं अपना 3-4 महीने और आगे बढ़ाऊँगी जब तक फेक नेल्स बाहर ना आ जाए. इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है कि वो कैसे कैसे होता है, वो मैं आपको क्लिप्स में धीरे 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 डाल दूंगी, और लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी कि वो कैसे होता है. उसके बाद आपके ये चारों पॉइंट्स के बाद एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक तो आपकी लुक आती है हाथों की, आपकी टेंशन हट जाती है नेल पेंट लगाने की, नेल्स ग्रो करने की, ये सब की पूरी टेंशन हट जाती है. और बेस्ट पार्ट कि जो नेल आर्ट होता है उसकी आप ऊपर अलग से नेल पेंट लगा सकते हो आपका मन कर रहा है तो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पता नहीं चलता. और उसके बाद उसको आप नेल पेंट रिमूवर से रिमूव कर दोगे, आपका नेल आर्ट बाहर आ जाएगा. लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग. मुझे ऐसा लगा ना कि 1 महीने में इंसान बोर तो होता ही है, सेम नेल आर्ट सेम चीज़ को आप रखे बैठे हुए हो तो आपको आएगा यार कुछ चेंज हो जाए. स्पेशली जैसे मैं हूँ, मैं ऐसी बंदी हूँ नेल पेंट को हर दूसरे दिन तीसरे दिन चेंज करती हूँ, और मुझे कोई आलस नहीं आता, मुझे चाहिए होता है. तो जब वो नेल आर्ट हुआ ना तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुई, तो तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाता है कि वो आराम से रिमूव हो जाएगा, लग भी जाएगा, नेल आर्ट वहीं का वहीं रहेगा. बट मैंने कर दिया, तो मैंने लगाया, और उसके बाद फिर मैं सोचने लगी, 2 दिन बाद मैं फिर मूड चेंज हुआ, तो मैंने सोचा क्या करूँ, मैं कहा चलो हटा के देख लेते हैं, नेल आर्ट हटेगा हट जाएगा, क्या कर सकते. बट जब वो मैंने नेल पेंट रिमूवर से रिमूव किया तो नेल आर्ट एज इट इज़ निकल आया. मतलब जो उसके नेल आर्ट के ऊपर वो फाइनल कोटिंग देते हैं एक ट्रांसपेरेंट की, वो ऐसी होती है जो नॉर्मल थिनर से आप नहीं हटा सकते हो. तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, आपका मूड नहीं कर रहा कलर चेंज कर दिया. फॉर एग्जांपल ये जो मेरे नेल्स का कलर है, ये रोज़ गोल्ड, ये मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है अपने नेल आर्ट के ऊपर. सो राइट नाउ आई एम हैविंग माय नेल्स एंड देन फेक नेल्स, देन जेल एक्सटेंशन एंड देन नेल आर्ट एंड देन दिस कोटिंग ऑफ माय नेल पेंट. और अब जब मेरा मन करेगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है या मुझे नेल आर्ट ही चाहिए, मैं सिंपली इसको थिनर से रिमूव करूँगी और मेरा नेल आर्ट वापस आ जाएगा. वो जो नेल आर्ट हो रखा है मैं उसका क्लिप डाल दूँगी कि क्या हो रखा है. तो ये मुझे इसका बहुत अच्छा पार्ट लगा. और अगर आप इसको मेंटेन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, लुक आती है लॉन्ग नेल्स की. मुझे तो लगता है लुक आती है क्योंकि मेरे हैंड्स छोटे हैं और थोड़े से गोलू गोलू भी हैं, तो लॉन्ग नेल्स से मेरे हाथों की थोड़ी लुक आती है. तो आप डेफिनेटली करा सकते हो. तो मैं जो इसके प्रिकॉशंस हैं वो एक दो बता देती हूँ कि जब आप कुछ पिक करते हो आपको लिटरली पता नहीं लगेगा आपके हाथ में फेक नेल्स हैं या कुछ भी, बट अगर ये कहीं फंसा इस तरीके से और ये ऐसे हो गया ना, अभी मैं स्लो कर रही हूँ और ये गलती से ऐसे ज़्यादा ज़ोर से हो गया. फॉर एग्जांपल आप अलमारी पुल करते हो, ड्रॉर पुल करते हो और उसमें फंस गया, बहुत ज़ोर से दर्द होगा क्योंकि ये आपके ओरिजिनल नेल्स में बहुत अच्छे से फिक्स होता है. मुझे नहीं पता वो क्या ग्लो यूज़ करते हैं जो फेक नेल्स फिक्स करते हैं, लिटरली वो बहुत कंफर्टेबल होता है और वो पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है. बट अगर वो ऐसे फंसता है ना तो दर्द उसमें नहीं होता है, आपके नेचुरल नेल में अंदर होता है बिकॉज वो उसके अंदर फिक्स है. तो उसके मतलब ऐसे अगर ये होगा तो उसके साथ में आपके नेचुरल नेल जो खिंचता है आपकी स्किन से, थोड़ा सा दर्द हो जाता है.
उसका बस एक छोटा सा प्रिकॉशन है कि आप कुछ ऐसे खोल रहे हो तो ट्राई करोगे आपकी फिंगर ना फंसे, स्पेशली आपका जो नेल है वो ऐसे इस तरीके से ना हो, अदरवाइज बहुत दर्द होगा। ऐसे बताने में भी अगर मैं ज़ोर से कर देती ना तो होता, सिर्फ यही एक प्रिकॉशन है। हाँ, एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो मुझे नहीं पता था, ये दोनों जो मैं बता रही हूँ ये मेरे साथ हो गए तो मुझे पता है, ये फायर पकड़ लेते हैं। ये फायर पकड़ लेते हैं। मैं एक्चुअली वो मंदिर गई हुई थी, मैं दिया जला रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, मेरे ये जो फेक नेल्स थे वो लंबे थे, ये मैंने काट के खुद ही छोटे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होती, आप लॉन्ग नेल्स लगवा के उसको बाद में छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने उसको छोटा कर दिया, उस टाइम पे लंबे थे तो मैं ऐसे करके उसको जब जला रही थी तो वो उसने आग पकड़ ली, वो मेरा ओरिजिनल नेल मतलब नेल आर्ट था, उसने आग पकड़ ली, मैंने फटाफट उसको बुझाया एंड लिटरली वहाँ काला काला हो गया था। तो ये आपको प्रिकॉशन रखना होगा, ये दो प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको अगर ये ऐसे हुआ तो पेन होगा, अगर वो जला तो जलना तो है ही। सो द थिंग इज़ कि वो जो केमिकल है, जो जेल है, नेल आर्ट है, वो आग पकड़ता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो आई फील कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, प्राइस से लेके लॉन्जिविटी से लेके और चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो उसको लेके। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि जब रिमूवल की बात आए तो अगर आप रख सकते हो कि आपका जो फेक नेल है वो बढ़ता 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 ओरिजिनल के साथ खुद ही बाहर आ जाए तो रख लो यार, 5-6 months में क्या फ़र्क पड़ता है, लुक आ रही है आपकी, एक ही बार पैसे दिए लुक आपकी चलती जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसको रख लो। बट अदरवाइज़ आप चाहते हो तो खुद से मत ट्राई करना, बहुत मैसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, 500-600 खर्च करके उसको अलग से निकलवा लेना, उसमें कंजूसी मत करना, 1500-1300 जब उसमें दोगे तो रिमूवल में भी दे देना, अच्छे से ढंग से हो जाएगा, आपका मन भी भर जाएगा, बट क्योंकि बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें कंजूसी ना करना। सो आई फील कि मैंने ऑलमोस्ट सब कर दिया है, अगर कुछ रह गया होता यार कमेंट बॉक्स में कर देना, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोली है वो मैं थोड़ा 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो मैंने अपना जो ओरिजिनल नेल एक्सटेंशन था वो दिसंबर में कराया था, एंड ऑफ द दिसंबर, रोहिणी दिल्ली से, मेरा घर है वहाँ पर। उसके बाद मैंने अभी जस्ट रीफिलिंग कराई है परसों, गुड़गांव से, गलेरिया मार्केट, इफ़ एनीवन नोज वो वहाँ जा सकता है, ठीक है, तो मैं एड्रेस तो क्या ही डालूँगी, शॉप का नाम डाल दूँगी दोनों का, जहाँ से मैंने एक्सटेंशन कराया और जहाँ से मैंने रीफिलिंग कराई, दोनों में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट आई वुड से कि मेरा रीफिलिंग में ज़्यादा अच्छा था। वो डिपेंड करता है यार, आपको पता तो होता नहीं है कहाँ आप जा रहे हो, अब उसको बोलोगे कि आपने नहीं किया ऐसे किया तो क्या, जब हो जाता है तब आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो मेरा रीफिलिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा था। और आई वुड सजेस्ट अगर आप मेरे कहने पर जाओ तो आप गलेरिया मार्केट के जो मेरी शॉप थी रीफिलिंग वाली उसमें आप करा सकते हो, वहाँ डिस्काउंट भी चल रहा है। सो आई हैव कवर्ड, आई फील एवरीथिंग, मैं क्लिप्स जो डालनी है, थंबनेल जो डालना है, टैगलाइन जो डालनी है, सब कुछ मैं डाल दूँगी और एंजॉय। कुछ क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सॉरी, पूछ देना। ओके, आई विल आंसर। बाय।